हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं शालनी और मैं अपने फ्रेंड के साथ और उसकी फैमिली के साथ जा रही हूं शिवनाथ दरी। तो आप लोग देख ही सकते हो, ये बगल में मेरी फ्रेंड अंजलि है और उसके बगल में उसके हस्बैंड यानी मेरे जीजू हैं। तो हम लोग जा ही रहे थे कि ये रास्ते में उसको लग गया प्यास, तो जीजू ने बाइक रोका और हम लोगों ने यहाँ गन्ने का जूस पिया और पीने के बाद हम लोग चल पड़े सिद्धनाथ दरी के तरफ। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सिद्धनाथ दरी में और आप लोग देख सकते हो ठीक ऊपर बंदर है हमारे, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। और ये अंजलि आंटी जी को सही से पकड़ के लेकर के आ रही है, क्योंकि पत्थर ऊपर नीचे होने की वजह से कोई भी गिर सकता है वहाँ पे। और बच्चे आगे की तरफ जा रहे हैं और ये दीदी हैं और हम लोग जीजू के साथ में चल पड़े हैं पानी के तलाश में और सही जगह के तलाश में, ताकि वहाँ पर जाके हम लोग सारी फैमिली वहाँ पर बैठ सकें। और साथ में जीजू ने डंडा ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं। हम लोग जिस टाइम आए हुए हैं यहाँ पे, हम लोग को पानी कहीं दूर दूर तक देखने को मिल ही नहीं रहा है, बस पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहा है। आप लोग अप्रैल में और मई जून में ना ही आओ तो बढ़िया है। आप लोग बरसात के टाइम आओगे यहाँ पे बहुत पानी वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ सामने ठीक हम लोग के खाई है जिसमें हमेशा पानी रहता है, बट इस बार ही पानी नहीं है। और आप लोग सिद्धनाथ दरी जब भी जाओ, आप लोग साथ में चना या फिर कच्चा चावल दाल वगैरह लेकर के जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और परेशान करते हैं। आप लोग वहाँ पे कुछ भी बनाओगे तो वो हाथ से छीन के लेके भाग जाएंगे। तो आप लोग अगर लेके जाओगे साथ में तो एक तरफ रख दोगे तो वो लोग खा लेंगे एक तरफ बैठ करके। और यहाँ पर बाटी चोखा बनने की तैयारी हो रही है। आप लोग देख सकते हो पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा है, क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं है तो सूखा ही पड़ा हुआ है। आसपास कहीं पानी मिला तो नहीं, बट पता नहीं कहाँ से जीजा जी लेकर के आ रहे हैं पानी। बंदरों का फौज, जाओ भगा दो, पानी हम लोग लेके भाग जाएंगे सब। सही में बेचने वाले बन रहे हैं तो पीछे पीछे। तो दोस्तों, बाटी चोखा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बाटी चोखा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। दीदी और जीजू लोग मिल करके बनाए थे। यहाँ पे बंदर बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग जब भी जाइएगा कुछ ना कुछ लेके जाइएगा बंदरों के लिए। आप लोग देख रहे हो कितना टेस्टी बना हुआ है, जितना देखने में नहीं लग रहा है उतना खाने में टेस्टी था ये। अरे नीचे जाना है जीजू, नीचे जाना है। देखिए धक्का मत मारिए। अरे ठीक है, अरे इतना कल्याण मत कर दीजिए मेरा। उधर से उधर से चलिए जीजू, आप उधर ही है। जीजू इधर घूमिए, जीजू इधर देखिए। क्या करेंगे यहाँ? हाँ
हम ही नहीं आएंगे। नहीं रहने दीजिए, सही है, बहुत सभी थक जा रहा है। तुमको जाना है? नहीं बहुत ज़्यादा नीचे है वो तो। बना भैया? हाँ बना दीजिए जितना बोले थे।